सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का बयान, हर सिख लाइसेंसी मॉडर्न हथियार रखे, हालात को देखते हैं हथियार रखन सिख। नवजोत सिद्धू का रजिंद्रा हस्पताल में करवाया जा रहा है मेडिकल चैकअप, खराब सेहत का हवाला देकर ले जाया गया हस्पताल। पंजाब के 10 प्रदूषित शहरों की सूची आई सामने, पंजाब के प्रदूषित शहरों च गोबिंदगढ़ पहले, लुधियाना दूजे नंबर पर। हुण खबरां विस्थार दे नाल। सूबे विच विगड़ रहे हालातां नूं देखदिआं श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिखां नूं लाइसेंसी हथियार रखण दी अपील कीती है। उन्हें कहा कि हर एक सिख एक लाइसेंसी मॉडर्न हथियार रखे। उन्हें कहा कि हर सिख बाणी पढ़ के खुद नूं बलवान बनावे ते शस्त्र विद्या भी हासिल करे। उन्हें सिखां नूं इह संदेश दित्ता है कि हुण लोड़ है कि हर सिख बाणी नाल जिथों अंदरों मजबूत होवे उत्थे ही नशे छड्ड तंदरुस्त हो शस्त्रधारी बने तां जो उह अपनी ते अपने धर्म की रक्षा कर सके। उस दौरान उन्होंने नौजवानों को अपील की है कि वह मॉडर्न जमाने के नवे लाइसेंसी हथियार जरूर रखन ता जो अंदरों बाहरों खुद को मजबूत बलवान ते तंदुरुस्त समझा जा सके। आज भी जरूरत है साडे खास तौर पे सिख नौजवान बच्चे बच्चिया नू कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे आदेशां दी ए पालना करदे आ। शस्त्रधारी होईए, गटकेबाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ये जिहड़ियां कलावां ने इन्हां दे विच सुसिख्यत होईए और हर सिख लाइसेंसी जिहड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वह भी जिहड़ा है वह रखण दा हर सिख यतन जरूर करे, क्योंकि समा इस तरह दा जिहड़ा है वह आ रहा, हालात इस तरह दे जिहड़े बन रहे हैं कि हर सिख अपने आप नूं बाणी पढ़ के, नाम जप के, भजन करके बलवान बनावे और नाल नाल तंदुरुस्त होवे, नशियां तो रहत होवे, क्योंकि नशे जिहड़े ने इह शरीर गाल रहे ने, नशे साडे परिवारां नूं बर्बाद कर रहे ने, नशे साडे घरां नूं बर्बाद कर रहे ने, नशे साडी जमीर मार रहे ने, नशे साडी मत मार रहे ने। असीं इन्हां नशियां तों खहिड़ा छड़ाईए ते नशियां तों खहिड़ा छड्डण दा इक्को ही तरीका है कि असीं बाणी वाले पासे आईए, बाणी दे धारनी बणीए, सतसंगत करिए। इहो ही गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दा उद्देश है। मैं एक बार फिर मेरी प्रीत दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी गुरियाई दिवस दीआं समूह सिख संगतां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। रोडरेज केस च पटियाला दी जेल च बंद नवजोत सिंह सिद्धू दी अज अचानक सेहत खराब हो गई, जिसके मद्देनजर उन्होंने रजिंद्रा हस्पताल पटियाला लिया गया। हस्पताल विखे नवजोत सिद्धू का डाक्टर वालों मेडिकल जांच की जा रही है। रजिंद्रा हस्पताल च उन्होंने कांग्रेसी साबका एमएलए हरदयाल सिंह कंबोज ते पार्टी के सीनियर आगू भी मिलने लिए पहुंचे। मामले देखते हुए सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए ने। जिक्रयोग है कि सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट तो मेडिकल ग्राउंड से एक हफ्ते लिए राहत की मांग की। दस दिए कि नवजोत सिद्धू के वकील हवाला दिंदे दस्या सी कि नवजोत सिद्धू दे लीवर च इनफेक्शन दी समस्या है जो डाक्टरां वल्लों दस्से गए भोजन दा ही सेवन करदे ने। लीवर दी समस्या होण कारण ओह खास डाइट लैंदे ने। मिली जानकारी अनुसार नवजोत सिद्धू जदों तों जेल च ने ओह रोटी नहीं सी खा रहे, ओह जेल प्रशासन तों डाइट दे हिसाब नाल खाणा मंग रहे सन। इह वी दस दईए कि नवजोत सिद्धू दी सेहत नूं लै के डाक्टरां दा बोर्ड सोमवार नूं अदालत विच उहनां दा डाइट प्लान पेश करेगा। बचाव पक्ष दे वकील HPS वर्मा ने अपील दायर कर सिद्धू दी सेहत दा हवाला दिंदिआं उन्हां नूं विशेष भोजन देने की मांग की। इस तो बाद अदालत ने जेल के अधिकारियों को पत्र लिखा, जवाब ना मिलने से अदालत ने रजिंद्रा हस्पताल के मेडिकल सुपरडेंट को डाक्टरों के बोर्ड तो डाइट प्लान बना के पेश करने लिए कहा। HPS वर्मा ने कहा कि डाइट प्लान पेश होने तो बाद अदालत अगली कार्रवाई करेगी। दस दिए कि सिद्धू नूं लीवर की समस्या है तो उन्होंने खून भी गाढ़ा है। जिथे पंजाब च कणक की वाढ़ी दौरान नाड़ साड़न के मामलों च गिरावट दर्ज की गई, उथे पंजाब के प्रदूषित शहरों च गोबिंदगढ़ 174 AQI के नाल पहले
156 QI दे नाल लुधियाना दूजे नंबर ते रिहा। फिरोजपुर च सब तो ज्यादा 1422 नाट साड़न के मामलों के नाल सब तो ज्यादा प्रभावित जिला रहा। इस तो बाद अमृतसर 1233 खेतां च अग दे नाल दूजे, गुरदासपुर 1119 फसल रहिंद खून साड़न दी घटनावां दे नाल तीजे, मोगा 1096 चौथे ते तरन तारण पंजवे स्थान ते रिहा। इत्थे 1062 अग दीआं घटनावां नूं दर्ज कीता गया। सब दे दरमियान मोहाली हुण तक सब तो घट 30 अग दीआं घटनावां दे नाल सब तो सुरक्षित जिला रहा है। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मीरी पीरी दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे गुरियाई गुरपुरब दियां समूह नानक नाम लेवा संगतां नूं वधाईयां दित्तियां ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दा गुरियाई पर्व है और इस महान गुरियाई पर्व दियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 वधाई। मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां ने पंज भौतक तन दे विच विचरदिआं वकत दी हकूमत दे नाल चार युद्ध लड़े और चारां दे विच ही फतेह प्राप्त कीती। पूरे हिंदुस्तान दे अंदर गैर मुसलमान लोगां दे अंदर यह धारणा सी कि इस शक्तिशाली साम्राज्य नूं हकूमत नूं कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने चार युद्ध लड़के चारां दे विच जित प्राप्त करके इस धारणा नूं तोड़िया। श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना की थी। श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना दे नाल नाल सिख संगतां नूं उपदेश सिख्या दित्ती कि हुण वक्त आ गया कि हर सिख जिथे बाणी पढ़ के बलवान होवे उथे शस्त्रधारी जरूर होवे। सिरसा दी सांसद सुनीता दुग्गल ने विरोधी धिर ते हमला बोलिया। सुनीता दुग्गल ने आप राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ते तंज कसदिआं कहा कि आप सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता दे कोल हरियाणा विच भ्रिष्टाचार दा कोई सबूत है तां सबूत सीएम मनोहर लाल नूं देण। सबूत मिलन तों बाद सीएम मनोहर लाल भ्रिष्ट अधिकारियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करनगे। उन्हां कहा कि मुख मंत्री मनोहर लाल बिना किसी भेदभाव दे हरियाणा दा विकास भी करवा रहे ने। देखिए कल जब मैं वहाँ पर ठहराव के लिए गई और जो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया था तो डबवाली वासियों में एक ज़बरदस्त खुशी की लहर थी, क्योंकि ये जो जम्मू तवी जोधपुर जो ट्रेन है ये हमारे सिरसा पूरे ज़िले को आप ये समझिए कि जम्मू से जोड़ती है। इसके साथ जो भी हमारे श्रद्धालु ब्यास जाना चाहते हैं वो इसमें जा सकते हैं, हरमिंदर साहब जो जाना चाहते हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। तो सभी श्रद्धालुओं में जो है वो ज़बरदस्त जो है एक जोश था और बहुत खुशी थी उनमें, और ये बहुत लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी। तो मैंने माननीय रेल मंत्री जी से उनसे आग्रह किया, उनको लेटर भी लिखा, उनसे पर्सनली भी मैं मिली और उसके बाद जो इसमें कंसर्न अधिकारी हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत खुशी है। पंजाब दे मौसम विभाग वालों सूबे विच ऑरेंज अलर्ट जारी करदिआं चेतावनी दित्ती गई है। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार ते मंगलवार तेज हवावां चलणगीआं, किते किते हल्के ते भारी मीह दे नाल नाल गड़ेमारी भी हो सकती है। इस तों इलावा मौसम विभाग वालों लोगों नूं खास तौर ते चेतावनी दिंदिआं कहा गया है कि लोग घरां विचों घट तों घट बाहर निकलण अते ट्रैवलिंग ते खास ध्यान देण, क्योंकि तेज हवावां चलण नाल नुकसान भी हो सकदा है। लिहाजा लोग सफर तों परहेज ही करन, भावें पंजाब दे वख-वख हिस्सिआं च मीह पैण कारण तापमान च गिरावट देखने नूं मिली है। इसके बावजूद जेकर ज्यादा तापमान की गल करिए बीते दिन पंजाब च सब तो ज्यादा गर्म मुक्तसर शहर रहा। इत्थे वध तों वध तापमान 42.8 डिग्री सैलसीयस नापिया गया। मौसम माहिरा मुताबिक 23 मई नूं सूबे के कई इलाकों च भारी मीह पै सकता है, 24 मई नूं किते किते हल्के तो दरमियाना मीह पैण की संभावना। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान वालों पंजाब दे हवाई अड्डिया नूं लैके अफसरां दे नाल मीटिंग कीती गई, जिस दौरान उन्होंने मोहाली कौमांतरी हवाई अड्डे तो विदेशां नूं सिद्धियां उडाना लई प्रबंधां नूं लैके चर्चा कीती। उन्हें कहा कि साड़ी कोशिश है कि विदेशां च वसदे पंजाबियां ते कारगो उडाना राही किसानां नूं इन्हां हवाई अड्डियां दा वध तों वध फायदा मिल सके।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਬੁਲੰਦਾ ਵਿਖੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 9:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਮਾਸੂਮ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 304A ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਧ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਕੰਧ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਨਾਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 28 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਵੰਦਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ SHO ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ACP ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਧੀਣਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲੌਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 42 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3-4 ਘੰਟੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਮਦੌੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਖੁੰਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਘੜੂਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਾਰੂ ਵਾਲਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੜੂਕੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।